हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन रिव्यूज टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में रेबीरोज डी कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। रेबीरोज डी कैप्सूल का मुख्य उपयोग एसिडिटी की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। माइक्रोलैब लिमिटेड कंपनी की ये 10 कैप्सूल की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 115 रुपये में मिल जाएंगी। दोस्तों, यह कैप्सूल खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और सलाह की जरूरत होती है। यह डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाली कैप्सूल है। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। रेबीरोज डी कैप्सूल में रेबोप्रोजोल सोडियम आईपी 20 mg, डोमपेरिडोन आईपी 30 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। आइए बात करते हैं इस कैप्सूल के यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते। इस कैप्सूल का मुख्यतः उपयोग एसिडिटी की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर यूज करते। इसे मितली या उल्टी आने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते। इस कैप्सूल का उपयोग पेप्टिक अल्सर होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते। पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव है जो पेट की भीतरी हिस्से की परत में या भोजन नली में और छोटी आंत में होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते। इसे GERD गर्ड, जिसे हम गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज कहते हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस कैप्सूल का यूज करते हैं। गर्ड एक दीर्घकालीन पाचन संबंधित समस्या है। गर्ड तब होता है जब पेट में उत्पन्न एसिड आपकी भोजन नली में वापस आ जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। इस कैप्सूल का अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस कैप्सूल का इस्तेमाल अन्य समस्याओं में भी कर सकते हैं। बात करते हैं इस कैप्सूल के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इस कैप्सूल का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, इस कैप्सूल को हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से यूज करें। इसे अपने मन से घर पर यूज न करें। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये कैप्सूल दिन में एक बार खाना खाने से पहले ले सकते। साइड इफेक्ट, इस कैप्सूल के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको पता कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते। यदि आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आपको दस्त, पेट में दर्द, मुंह सूखा पड़ना, सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इसे यूज करते समय सावधानियां। अगर आप पहले से कोई अन्य टैबलेट या मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस कैप्सूल का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लिवर या फिर किडनी से संबंधित कोई अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यूज टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।